दोस्तों, धूल मिट्टी के कारण लोगों को पिंपल्स, एक्ने और स्किन के पोर्स बंद होने जैसी स्किन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि अपने स्किन के पोर्स को कैसे साफ कर सकते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल को मिलाकर चेहरे पर लगाएं, इससे स्किन के पोर्स को गहराई से साफ करने में मदद मिलती है, साथ ही स्किन में नमी भी बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही ढेरों जानकारियां चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर टू है नीम के पत्ते। दोस्तों, नीम के पत्तों में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। नीम की पत्तियों के पेस्ट में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद अपने चेहरे को धो लें, इससे स्किन के पोर्स को गहराई से साफ करने और स्किन की समस्याओं से राहत देने में मदद मिलती है। नंबर थ्री है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। स्किन के पोर्स को साफ करने के लिए आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर फोर है खीरे का रस। स्किन के पोर्स को साफ करने के लिए और स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए आप एक खीरे और एक टमाटर के रस को मिलाकर एक स्प्रे बॉटल में डालें और सुबह शाम चेहरे पर स्प्रे करें। नंबर फाइव है शहद। शहद में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल के गुण पाए जाते हैं, साथ ही इसमें मॉइस्चराइजिंग गुण भी पाए जाते हैं। इसे चेहरे पर लगाने से स्किन के पोर्स को गहराई से साफ करने और स्किन को मॉइस्चराइज करने में मदद मिलती है। नंबर सिक्स है दही। दोस्तों, दही में बहुत से गुण पाए जाते हैं। पोर्स को साफ करने के लिए आप चेहरे पर दही को लगाएं, इससे आपकी स्किन साफ, ग्लोइंग और हाइड्रेट होती है। नंबर सेवन है आइस क्यूब। पोर्स को साफ करने के लिए आप टमाटर और आलू के रस को क्यूब बनाकर अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। इससे आप 10 मिनट चेहरे पर मसाज करें, इससे स्किन को टाइट रखने और एजिंग के लक्षणों से बचाव करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, चेहरे के पोर्स को साफ करने के लिए आप वीडियो में बताए गए उपायों को अपना सकते हैं। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।